कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे बार्सिलोना के भाइयों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, दिल से भाई, दिल से। मैं झूठ नहीं बोलता भाई, मैं फैब्रिकेट नहीं करता भाई, जेनुअली मैं खुश हूं भाई, मैं जेनुअली खुश हूं भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। जब बार्सा लीग जीती मैं खुश था भाई, जब बार्सा सेलिब्रेट करते ना एस्पान्योल में, जब उनको भगा दिया वेंचोस बार्सा को भगा दिया बट एस्पान्योल ने हरकतें कर दी, उनके वहां पे जीते, इट्स अ बिग थिंग भाई जेनुअनली, क्योंकि एस्पान्योल बार्सा की राइवलरी तुमको पता है बहुत बड़ी चीज है भाई जेनुअनली, अगर तुम बिल्कुल राइवल के घर पे जीतो। लाइक ऑब्वियसली अगर मैड्रिड में जीतेंगे तो और शर्मनाक होगा मैड्रिड के लिए, और बड़ी चीज होगी मीडिया में, बट हिस्टोरिकली कल्चरली एक बड़ी विन है भाई जेनुअनली। एस्पान्योल को हराना, वहां पे लीग टाइटल जीतना, जावी का पहला सीजन कती, 4 साल बाद बार्सा लीग जीती है 14 पॉइंट की लीड से, ओ प्रॉपर डोमिनेशन आए है। लपोटा कती पोस्ट मैच में आके भाई छाती चौड़ के भाई, लौंडा कती पेट निकाल के छाती चौड़ के बिल्कुल भाई, कि मैं तो मेस्सी से बुलाऊंगा, मेरी फोन पे बातें हो रही है, गुंडोगन बुंड मरा, गुंडोगन लिंग हेमेंस, लाइक बार्सा से क्या फ्यूचर तगड़ा हो गया, क्या बार्सा टर्मोइल से बाहर आ गई, क्या लौंडो कहां गए वो यूरोपियन एलिमिनेशन, कहां गए वो यूरोपा लीग के एलिमिनेशन चैंपियंस, कहां गए भाई, क्या ये सीजन बिल्कुल सक्सेसफुल है बार्सा का, क्योंकि जावी तो भाई खती है। अगर तुम देखो जावी की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, जावी ने पता क्या आंसर दिया, कि दिस वॉज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल सीजन, ये बहुत नहीं, ये बहुत बहुत सक्सेसफुल था भाई, जो भी कहते हो उसे इंग्लिश में, सीजन इतना तगड़ा सीजन का जावी ने करा है लॉन्डो। आई नो नंबर्स भौंकते, बिफोर आई कम टू बकचोदी, ऑब्वियसली बिफोर आई कम टू ऑल दो बकचोदी, तुम इस जगह होल्ड करो, अगर मेरे से कोई पूछे कि बार्सा का बेस्ट प्लेयर कौन था इस पूरे सीजन, इट वॉज एक 19-year-old, दिस इज द सेकेंड यंगेस्ट टीम लालीगा में लॉन्डो, डीप गर्ल्स चीज को, आई नो चीज सुनने मिलती कि क्या बकचोदी, नहीं भाई ये प्रॉपर ट्रांजिशन वाली टीम थी, प्रॉपर लॉन्डो ने क्वेश्चन करा था लपोटा को, आई थिंक दिस इज मोर ऑफ लपोटा का टाइटल देन जावी का। लपोटा ने इतना रिस्क लिया इस टीम पे भैंचोद, इतने लोगों ने लांछने लगाई कि तू लिवरपूल कर रहा है, तू फ्यूचर को सैक्रिफाइस कर रहा प्रेजेंट के लिए, तूने लेवेंडोस्की बुला दिया इतना बुढ़ा, मैंने भी क्वेश्चन करता भैंचोद, मैं भी बैठा था यहाँ पे, मैं भी जेलस था, मेरी भी गांड चली हुई थी, तो मैंने क्वेश्चन करा लेवेंडोस्की को, कुंडे को, जो भी इसने बड़ी बड़ी साइनिंग करी है एक ऐसे फाइनेंशियली स्ट्रिकन वाले ईयर में जो भी है। लॉन्डो ने बोला कि मत उड़ लपोटा, मत उड़, लपोटा उड़ा भैंचोद, उसने प्रॉपर टीम दी जावी को कि ये ले तू टीम, ये बना, और जावी ने अपना काम करा, इसमें कोई डाउट नहीं, आई डोंट डाउट इट, इट्स गुड। पर मैं पता मेन बकचोदी में क्या आना चाहता हूं बेसिकली, कि ये बार्सा टीम यंग है, इनका बेस्ट प्लेयर एक 19-year-old था मेरे ख्याल से, अलेखांड्रो बाल्दी, ही वॉज द बेस्ट बार्सा प्लेयर इस सीजन। आई नो इट्स वेरी सिंपल, फुटबॉल को सिंपलिस्टिक करना बहुत आसान है भैंचोद, अगर तुम्हारे पास बेस्ट फॉरवर्ड है और बेस्ट गोलकीपर है तो तुम ऑब्वियसली जीतोगे, दे हैव द बेस्ट फॉरवर्ड लेवेंडोव्स्की, 21 गोल मार दी भैंचोद, टर्स्ट अगेंस्ट से बढ़िया गोलकीपर आई थिंक वर्ल्ड में कोई नहीं इस टाइम पे, लाइक आई नो कोर्तवा बहुत तगड़ा, अंडरस्टैंडेबल, ऑब्वियसली मैड्रिड फैन हूं भैंचोद, बट टर्स टेकन ने इस बारे 25 क्लीन शीट रखी, 25 व्हाट ना भाई, दैट्स अ फक पागलो पेंचो भाई, रिकॉर्ड है ला लीगा में एक सीजन का 26 क्लीन शीट का, टर्स टेकन ने 25 रख ली भाई, बार्सा ने 27 एक्सजी कंसीड करा था और गोल्स कितने खाए 13, इनके कीपर ने बहुत बचाया, टर्स टेकन का बेस्ट सीजन था आई थिंक बार्सा प्लेयर एवर, टर्स टेकन हैड हिज बेस्ट प्लेयर एज अ बार्सा प्लेयर एवर, जब वो खत्म हो गया था ऑलरेडी, ही वॉज ऑलरेडी निग्लेक्टेड भाई, बार्सा फैंस को चाहते हो बाहर निकालो उसे भैंचो, उसे पता नहीं कैसे बच गया भाई, पता नहीं टर्स टेकन कैसे काम कर गया, किसी को पता नहीं भाई, या तो पता नहीं किसने मैन मैनेजमेंट करी, जावी ने करी है, पता नहीं क्या करा है। मैंने ये सुना कि टर्स टेकन को फोर्थ कैप्टन रखा था बार्सा को, लाइक बार्सा मेड टर्स टेकन फोर्थ कैप्टन, अब उसने हेल्प करा है, मुझे पता नहीं क्या बकचोदी, बट जो भी टर्स टेकन का कतल सीजन, और ऑब्वियसली मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेयर बाल्दी, इसमें कोई डाउट नहीं, बट मैं काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट में आना चाहता हूं, अब मैं काफी इंटरेस्टिंग और काफी डिबेटेबल, लाइक बाकी कूडोस टू जावी, उसने पूरा काम कर दिया, इट्स ऑल गुड, बार्सा का नियर फ्यूचर तगड़ा होगा, वो फिर से कोई बंदे लेंगे, लाइक जो भी बच्चों, लाइक आई नो फाइनेंशियली भी बार्सा चुदी पड़ी है, बट बार्सा पता नहीं कैसे संभव कर लेती, यू नेवर नो, लाइक बार्सा हर सीजन इज अ मूवी, एवरी सीजन ऑफ बार्सा इज अ मूवी, तो अगला सीजन भी मूवी होगा ऑब्वियसली, इनकी विंडो तुमको पता है, पता नहीं फ्रेंकी निकले, फ्रेंकी नहीं आंसर फाती के पीछे पड़े उसको निकाल लेंगे, जो भी है पता नहीं क्या मेस्सी को सही होगा लाना, वो सब बच्चों बाद में, बट स्टिल मैं ना चाहता हूं जावी में, जावी पे नॉट जावी में शोध, बट खैर मैंने एक लाइन भोकी जो आई थिंक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, कि दिस इज एक लपोटा की लालीगा देन जावी की लालीगा, समझ लो मैं कहना चाहता हूं कि जावी ने काम बढ़िया करा, जो लपोटा ने अपना रिस्क लिया, अपनी क्या कहते हैं शान को दांव पे लगाया बहनचो, ये स्क्वाड इकट्ठा करने के लिए, दिस स्क्वाड डेप्थ जो वर्ल्ड कप के बाद प्रॉपर चली बहनचो, जो जावी को दी उसने, मतलब मैं बोल रहा हूं लपोटा की लीग है उसमें तो कोई डाउट नहीं, बट क्या जावी लाइक मैं मैच नहीं कर, जावी की बार्सा इस बारी दो बारी एलिमिनेट हुई यूरोपियन कॉम्पिटिशन से, लौंडो जावी की बार्सा दो बार एलिमिनेट हुई, एक बार बायर्न से, फिर यूरोपा लीग, तुमको पता यूनाइटेड जो भी बकचोदी है, तो ये बार्सा कर चुके जावी की बेसिकली,
जावी के पास तुम कितना ही वो कर लो, अगर तुमने लीग फॉलो करी हो बहन, डिड यू फेल्ट की बार्सा ने पूरी लीग डोमिनेट करी है? लाइक इट फेल्ट लाइक भाई, अगर मैं एक इंटरेस्टिंग स्टैट लाऊं बहन, बार्सा ने 11 गेम्स इस ला लीगा में 1-0 जीती है, जावी ने हराम बॉल करा भाई, जावी अगर वो इंटेंशनली करना चाहे भी ना तब भी करें, अगर तुम एक बार्सा फैन हो और अगर तुम बहुत डिटेल से देखते हो बार्सा को, तुम जावी के बार्सा से खुश हो गए नहीं? इवन कल की गेम बार्सा सही थी, मतलब अगेन तुम जीत गए 14 पॉइंट, सब कुछ बोलने को है नहीं, ऑब्वियसली क्या ही बोलूंगा, बट स्टिल अगर मैं देखूं बार्सा जो बार्सा के पास प्लेयर्स आ रहे हैं, जो प्रोफाइल्स आ रही हैं, जो प्रॉपर डोमिनेशन, मेस्सी, गुंडोगान, ये तो बॉल वाले प्लेयर है, बॉल प्यारे वाले प्लेयर है, तो ये तो मस्त मगन, ये तो बिल्कुल बिल्कुल कति बॉल के सेंट्स है, ये फुटबॉलिंग सेंट्स है जो बार्सा में भी लाएगी, में भी पता नहीं क्या जो भी बकचोदी है, जो बोलना आसान है पता नहीं, तो लपोटा पॉलिटिशियन ऑब्वियसली, मतलब मैं कह रहा हूं कि इतने तुम्हारे पास तगड़े तगड़े प्लेयर्स डिस्पोजल में, तुम्हारे पास इतनी खतरनाक गाजियाबाद की बैक कति बहनचोद, तुमको पता बहनचोद ऑब्वियसली, तुमने बिल्कुल हाई लाइन रखी, तुम्हारे पास प्रॉपर फिजिकलिटी। एक और स्टैट जो इस सीजन रिकॉर्ड हुआ है कि बार्सा रन द मोस्ट और कवर्ड द मोस्ट डिस्टेंस ला लीगा में बाय अ माइल, मतलब मटेट से बहुत ज्यादा सही में। तो अगर ये बार्सा इतना एफर्ट डालने को रेडी है, अगर प्रॉपर प्लेयर्स जावी के लिए मरने को रेडी है बहनचोद, तो बार्सा पूरी लीग डोमिनेट करते हैं, अंडरस्टैंडेबल है, चाहे 1-0 गेम जीते हु केयर्स, तुम लाइक 14 पॉइंट के लिए जीते, इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट ये सेम स्क्वाड अंडर जावी दो बार यूरोपियन कॉम्पिटिशन से बाहर हुए राउंड, हम भूल कैसे रहे हैं? आई नो एक सक्सेसफुल सीजन है बार्सा का, अंडरस्टैंडेबल है, और मेरी जल नहीं रही भाई, मैं सही में बोल रहा हूं, मैं फैक्चुअली ऑब्जेक्टिवली बोलना चाह रहा हूं, इट्स अ बिग थिंग भाई, ये जावी का पहला सीजन है, अंडरस्टैंडेबल है, टेक्स टाइम ऑब्वियसली बहन, ये अंडरस्टैंडेबल है, लाइक उसको और प्रोफाइल असेंबल करनी पड़ेगी, उसको अपना फुटबॉल जो भी, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड बार्सा हैज असेंबल्ड काफी टाइम, लेट्स नॉट लाइ बहन, इनके पास सब कुछ है भाई, मैं तो मैक कर रहा हूं, कल इंस्टाग्राम पे पोस्ट है बच्चों दिम्बेले का, दिम्बेले पास 26 साल का है, दिम्बेले अभी 26 का हुआ है बहन चोद, और वो बस 26 साल का है भाई, इट्स क्रेजी, और कल दिम्बेले बुंडफार था ऑफ द बेंच, लाइक इट्स क्रेजी, ये स्क्वाड इज क्रेजी, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल एक्शंस क्रेजी, दे कैन डोमिनेट कुत्ता की तरह गेम्स, इनके पास क्रिस्टेंसन का कामनेस है, सब कुछ, दे हैव एवरीथिंग एज ऑफ नाउ इन टर्म्स ऑफ अच्छा फुटबॉल खेलने का। तो अगर इस स्क्वाड के साथ जावी दो बारी हक सकता है बहन चोद यूरोपियन कॉम्पिटिशन में, क्योंकि अल्टीमेटली बार्सा ला लीगा जीतने वापस वो ब्रेड एंड बटर, अंडरस्टैंडेबल, बट बार्सा हैज टू परफॉर्म यूरोप में, यही स्क्वाड यूरोप ने लपोटा ने ये बोल के स्क्वाड बनाया था, और जावी ने पहले बार बोला था, अगर तुम देखी ना ऑल और नथिंग, जावी ने क्या बोला था पहले एपिसोड में कि भाई वी हैव टू विन एवरी कॉम्पिटिशन, भाई ये प्रॉपर स्क्वाड अगर नहीं चाहिए शर्म आनी चाहिए, उसने प्रॉपर बोला था। तो अगर तुम यूरोप में बिल्कुल दो बार ऐसे बाहर होते हो, प्लस तुम ला लीगा डोमिनेट करके जीतते हो, इज इट एक पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक सिग्नल, जो समझ रहे हो अगर वो प्रॉपर वर्ड फेंको तो बेंचो, इज इट समथिंग टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ, क्या ये बकचोदी लौंड, मुझे पता नहीं लौंड, लाइक इट्स इंटरेस्टिंग, मैं काफी इंटरेस्टिंग सोच, क्योंकि मैंने काफी स्टैट्स देखे बहन चोद, बार्सा ने इस सीजन ला लीगा में सबसे ज्यादा हाई टर्नओवर्स करे हैं और सबसे ज्यादा लाइक ऑपरेट हाफ में बॉल जीती है, अंडरस्टैंडेबल, दे हैव वन द बॉल ऑपरेट हाफ में सबसे ज्यादा, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल, बार्सा कुत्ते की तरह भागते बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल, इसमें कोई डाउट नहीं ऑब्वियसली, पर बार्सा कोई भी गेम डोमिनेट, कल की गेम भी बार्सा कुड नॉट डोमिनेट, समझ रहे हो, एक जावी की टीम्स डोमिनेट नहीं कर पाई भाई, जितना इनके पास स्क्वाड है वो डोमिनेट नहीं कर पाते, दे कांट डोमिनेट प्रॉपर बेंच जो लाइक अच्छी तरह पासिस करके जल्दीबाजी करती है टीम, जल्दी बॉल फेंक देती है, कहीं ना कहीं बहुत ट्रांजिशन वाली टीम है, डिस्पाइट ऑफ 4 मिडफील्डर्स जो जावी ने बहुत लेट रियलाइज करा, एक तो सबसे बड़ा ब्लंडर पता क्या था बेंच, मैं अकेला रहा बेंच, सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि बार्सा इनिशियली स्टार्टेड कि भाई राइट विंग रफिनिया, लेफ्ट विंग डेम्बेले, फॉरवर्ड लेवेंडोव्स्की, और पूरा एक दो महीने करा काम, फिर इंटर से हार गए चैंपियंस लीग में, रफिनिया हाफ स्पेस खेल रहा था, जावी का सिलेक्शन इस सीजन हैज बीन इनिशियली बैड और काम नहीं करी बहन जेन्युइनली, लाइक अगर हम बिल्कुल और क्रिटिकल हो तो, आई नो मैं क्रिटिकल इतना होना चाहता नहीं, बट स्टिल जो भी है मुझे पसीना भी आ रहा है बहन, जावी ने बहुत लेट रियलाइज करा कि भाई 4 मिडफील्डर डालते हैं, बूसी, फ्रेंकी, ये सब लॉन्ड्री डालते हैं, पेड्री, गावी, वो सब बकचोदी, तब जाके बार्सा थोड़ा नेचुरली गेम डोमिनेट करने लग गई, तब बिल्कुल बल्दे की गेम भैजू निकल के आई, समझ रहे हो, तब बिल्कुल गाजियाबाद की बैक बनी, वो सब वर्क, ये सब बहुत लेट हुआ सीजन में, लाइक मिड सीजन के बिल्कुल आसपास हुआ भैजू ये सब, और तब तक यूरोपियन कॉम्पिटिशन बार्सा मोस्टली हार चुकी थी, बस यूनाइट वाले भी बाद में हारे, यूनाइट वाला उसमें भी गेम प्लान लंड था, तो जावी ने कुछ गेम प्लान फकअप करे, एंड काफी लोगों ने ब्लेम कर रहे जावी की कोचिंग को कि जावी एक डोमिनेटिंग कोचिंग नहीं करता, जावी बहुत ही ट्रांजिशनल गेम खेलता है, बहुत ही स्पेस करता था, टाइम एंड स्पेस वो सब बकचोदी करता रहता है, मतलब बहुत ही जल्दीबाजी वाली गेम है बार्सा के, डिस्पाइट ऑफ उनका स्क्वाड बहुत पेशेंट है, फ्रेंकी बहुत पेशेंट है, बूसी बहुत पेशेंट है, पेड्री, गावी कैन बी पेशेंट,
बट हर किसी को भगा रहा, जाती हर किसी को भगा रहा भगा रहा भगा। और तभी बक्सो लाइक लॉन्ग टर्म में बसा पिट रही है, लॉन्डे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग था बहनचोद, और मैं काफी अग्री करता उस बकचोदी से। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये बहनचोद कि इट्स अंडरस्टैंडेबल, लाइक जावी ने प्रॉपर उखाड़ दिया, इट्स अंडरस्टैंडेबल, मुझे कोई डाउट नहीं है। और वो फ्यूचर का मैनेजर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट या तो दो चीजें, या तो बिल्कुल उसको टाइम चाहिए ताकि वो और प्लेयर प्रोफाइल ला पाए। अब मेसी, मैं पता हूं एक कॉन्ट्रोवर्सियल बकचोदी है, आई नो पता नहीं बार्सा किसको बेचेगी किसको नहीं बेचेगी, बट बार्सा शुड फोकस ऑन गेटिंग गुंडोगान मोर देन मेसी आई थिंक। अगर तुम सिर्फ टैक्टिकली बातें करो, अगर तुम सिर्फ फुटबॉलिंग बातें कर रहे हो, अगर सब कुछ नॉस्टैल्जिक और इमोशनल नहीं है ऑब्वियसली, तो विच इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर, अंडरस्टैंडेबल। अगर मेसी अवेलेबल है तो ऑब्वियसली तुम साइन करोगे मेसी, तो बिल्कुल लाइक वो तो कोई क्वेश्चन है। आई थिंक मेसी इवन टैक्टिकली मेक सेंस, हम बात कर चुके हैं, ऐसे कोई बड़ी बात है। बट गुंडोगान और मेसी एक टीम में फिर वापस, अगर तुम ऐसे प्लेयर प्रोफाइल ला रहे हो, इफ यू ब्रिंगिंग ऐसी प्लेयर प्रोफाइल, यू हैव टू डोमिनेट गेम्स। यू कांट प्ले कि भाई बालदेव तुम 1-0 जीत रहे हो, तुमको हर गेम में 4-5 मारने पड़ेंगे। और आई थिंक पेप ये करता था भाई, पेप यूज्ड टू डू इट, पेप बैंस सिटी में कर रहा है अभी प्रीमियर लीग में। तो जावी उस लेवल पे तो नहीं है, और लाइक उस ट्रैजेक्टरी का भी नहीं है। ही इज नॉट दैट पेप ट्रैजेक्टरी जो लोग कंपेयर करते कभी कभी कि जावी इज द नेक्स्ट पेप, वो फिर क्रॉयफ वाली मेंटालिटी नहीं भाई। जावी थोड़ा डिफरेंट है भाई, जेन्युइन जावी ने थोड़ा फुटबॉल डिफरेंट दिखाया जो काम कर गया भाई। बट यूरोपियन कॉम्पिटिशन में आई डोंट नो भैया, तो उसको बिल्कुल वैसी प्लेयर प्रोफाइल चाहिए होगी जो बिल्कुल ट्रांजिशनल हो, जो बहुत फिजिकल हो, जो बहुत क्विक भागने वाली बकचोदी हो। लेकिन फिर गुंडोगान मेसी काम करेंगे मुझे पता नहीं भाई, क्योंकि वो पेड्री को भगा रहा है, वो गावी को, वो हर किसी को भगा रहा है भाई। और अब मेन बकचोदी की बुस्केट्स कर रहे लॉन्डो, अब तो इंटरेस्टिंग पीरियड स्टार्ट होगा बार्सा का भाई, अब तो इंटरेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो रहा है लॉन्डो। अभी बुस्केट्स भैनचोद, उसको रिप्लेसमेंट है नहीं भाई, अब क्या होगा? यू कांट प्ले गुंडोगान और फ्रेंकी का डबल पिवट, दैट वोंट वर्क भाई। लाइक बहुत अजीब साउंड कर रहा है टू, इट्स इंटरेस्टिंग भाई, काफी इंटरेस्टिंग टाइम लॉन्डो बार्सा का आने वाला है। इट्स बीन अ क्रेजी सीजन बार्सा का, लाइक जेन्युइनली कूडोस टू बार्सा फैंस। अगर ये वीडियो थोड़ी नेगेटिव हो गई, पर नेगेटिव नहीं थी भाई वीडियो, मैं खुश हूं भाई बार्सा के, जेन्युइनली लाइक हमारा तो क्या ही है, हम तो जीत चुके हैं, हम तो कोपा दल रहे, हमारा तो कोपियम दल रहे हो चुका, हमारा तो हो गया भाई। तुम बस परेड करो बैंचो, घूमो बार्सा कैंप नू में, जो भी कहते हो उसे, कैटालोनिया में, बार्सिलोना में, आ रहा भाई मुझे। बढ़िया भाई बढ़िया, मैं इतना कुछ आठ